ये देखिए कितना डेलिशियस जबरदस्त टेस्टी सा नाश्ता हमारा झटपट से बनके तैयार हुआ है। हे गाइस वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त नाश्ता जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड का नाश्ता बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को धीमी गैस पर गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, इसका काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। अब हम दोनों चीज़ों को धीमी गैस पर चटका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये 2 चम्मच है। ये डालने के बाद इसको भी हल्का सा भून लेंगे धीमी गैस पर। इस तरीके से प्याज और हमारा अदरक का पेस्ट है वो भून गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को धीमा रखना है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 पिंच लाल मिर्ची पाउडर, 2 पिंच अमचूर पाउडर, 2 पिंच गरम मसाला और साथ ही में थोड़ी सी ली है मैंने यहाँ पर धनिया सीड्स, जिन्हें मैंने क्रश करके लिया है। इनका काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आता है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सभी मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का भून लेंगे धीमी गैस पर। इससे जो हमारी स्टफिंग बनके तैयार होगी उसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। मैं यहाँ पर बहुत कम मसालों में बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ। इस तरीके से मसाले हमने भून लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। ये डालने के बाद धीमी गैस पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक जो हमारी शिमला मिर्ची है वो पक नहीं जाती। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से सब्जियां हमारी कुक हो गई हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हरे धनिया की चटनी, इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है, इससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 1 आलू को बॉयल करके मैश करके लिया है। ये डालने के बाद अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स करते हुए इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने आलू को अच्छी तरीके से कुक कर लिया है मसालों में मिक्स करते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से झटपट से स्टफिंग है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इधर मैंने लिए हैं 5 से 6 स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड के, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब मैं इस तरीके से एक ब्रेड को चकले पर रखूंगी और एक कटोरी को लेकर इसके गोल साइज की स्लाइसेस कट कर लूंगी। इसी तरीके से मैं कुछ स्लाइसेस और कट करके तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लाइसेस कट करके ले ली है। अब मैं इस तरीके से बेलन से बेल के इसकी पूड़ी जैसी बना के तैयार करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पूड़ियाँ बना के तैयार की हुई हैं। अब मैं एक ब्रेड के स्लाइसेस पर लगाने वाली हूँ टमाटो केचप, आप अपने पसंद की चटनियाँ ले सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर फैला देंगे। अब मैं दूसरी वाले पर लगाने वाली हूँ हरे धनिया की चटनी, इसका काफ़ी अच्छा इसमें फ्लेवर आने वाला है। ये लगाने के बाद अब मैं जिन्हें जो स्टफिंग तैयार की थी उसकी छोटी सी पेड़े बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से इसके ऊपर रख दूंगी और एक स्लाइसेस को उठा के इस तरीके से हम इसे लॉक करेंगे। आप देख सकते हैं कचौड़ी जैसी बन के तैयार हो गई है। अब हम इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे चारों तरफ से लॉक कर देंगे। अगर आपको लगता है कि ये लॉक नहीं हो रही है तो आप थोड़े से पानी की सहायता से इसे लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसमें चटनियाँ लगी हुई हैं तो ये आसानी से लॉक हो जाती है। अब हम इसी तरीके से कुछ और तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कचौड़ियाँ टाइप की बना के तैयार कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप बेसन। ये डालने के बाद साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 पिंच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी हल्दी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका स्मूदली पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है। अब मैंने जो कचौड़ियाँ तैयार की थी ब्रेड की, उन्हें इस तरीके से इसमें डिप कर दूंगी और अच्छी तरीके से बेसन से कोट कर लूंगी। इसी तरीके से कोट करके हम इसे फ्राई करें। तो इसके लिए मैंने गैस पर ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर जो ऑयल हमें गर्म करना है वो धीमी गैस पर गर्म करना है। अब हम इसमें जो स्लाइसेस ब्रेड के तैयार किए हैं वो डाल देंगे और डालने के बाद धीमी गैस पर इन्हें ऐसे ही फ्राई होने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। हम इन्हें एक साथ फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हम एक साथ फ्राई करेंगे तो ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब एक फ्राई हो जाए तभी दूसरा फ्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से इसे फ्राई होते हुए 1 से 2 मिनट हो गए, अब हम इसको पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से ये फ्राई हो गया है। अब हम दूसरी वाली स्लाइसेस भी डाल देते हैं और डालने के बाद इसको भी ऐसे ही फ्राई होने देंगे, सेम इसी प्रोसेस से। बीच बीच में हम इन्हें उलटते पलटते रहेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो इसी तरीके से दोनों हमारे जो स्लाइसेज हैं वो फ्राई हो गए। इन्हें फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं धीमी गैस पर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लगते हैं।
तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरीके से झटपट से हमारा ब्रेड का नाश्ता है वो बनके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लगता है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। बच्चों के लंच में या फिर सुबह के नाश्ते में जब भी आपका मन करता है आप इंस्टेंट बना के एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन में दे दिए तो आप देख सकते हैं आ रही हूँ। आप इनको भी जाके एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।